विद्या यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपना चैप्टर चल रहा था, अपने दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लेते। कौन से? अपने दो चैप्टर कंप्लीट कर लेते, रेस्पायरेशन पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन और खनिज लवण। कौन से दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी के? कौन से? खनिज लवण। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन इनके क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज की क्लास में इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, तो क्लास में बने रहिए दोस्तों और क्लास को अधिक से अधिक शेयर किया करो ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके और सभी को इसका फायदा मिल सके। हम इतनी अच्छे से आपको तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, तो आप भी प्लीज थोड़ा सपोर्ट कीजिए चैनल को। और चैनल पर आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना ताकि जब भी आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो करने वाले हैं। हम आपको इतने अच्छे से तैयारी करते हैं करवा रहे हैं, प्रॉपर आपको नोट्स अपडेट करवा रहे हैं, प्रॉपर नोट्स लिखवा रहे हैं, फिर भी व्यूज नहीं आ रहे क्लासों पर, कोई क्लास अटेंड ही नहीं कर रहा। तो आपको मुझे नहीं लगता आपको नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको क्लास की जरूरत है। फिर भी जो भी स्टूडेंट क्लास ले रहा है वो रेगुलर लेते रहे, आपका साथ हम पूरी एंड तक देंगे, एग्जाम तक आपका साथ देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम आपको प्रॉपर तैयारी करवाएंगे इसी चैनल के माध्यम से और आपको जरूर 50+ स्टूडेंट SMS में, 50+ स्टूडेंट SMS में सिलेक्ट करके देंगे। ठीक है दोस्तों, तो विश्वास रखिए और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है धान का खीरा, पहला क्वेश्चन है धान का खीरा रोग तथा ऑक्सीजन निर्माण से संबंधित है। जो धान का खीरा रोग होता है वह किसके कारण होता है दोस्तों? धान का खीरा रोग किसके कारण होता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 310, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मैंने आपको ये दोनों चैप्टर अच्छे से क्लियर करवाए हैं, तो आज अपन तीन क्लासों में इसकी क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 310, धान का खीरा रोग किसके कारण से होता है, किसके कारण से होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आएगा क्या, ZN। किसके कारण से होता है? जिंक के कारण से होता है दोस्तों। किसके कारण से? जिंक के कारण से होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः करते हैं? मैंने आपको बताया था हर एक का अवशोषण बताया था मुख्यतः किस रूप में करते हैं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्य रूप से करते हैं, मुख्यतः करते हैं? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 311, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः करते हैं, किस रूप में करते हैं? NO2-, NO3- या N BBN या HNO2 के रूप में, किस रूप में करते हैं दोस्तों? मुख्य रूप से पूछा है दोस्तों, ध्यान देना, मुख्यतः किस रूप में करते हैं? NO3- के रूप में करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन मुख्यतः NO3- के रूप में अवशोषित होता है। किसके रूप में? NO3- के रूप में अवशोषित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 312, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12 या PC, किसमें पाया जाता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 312, कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में। यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है अपना किसमें? विटामिन B12 में। किसमें पाया जाता है? विटामिन B12 में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में अनिवार्य है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा तत्व अनिवार्य है दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 313, क्वेश्चन नंबर 313 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा तत्व सबसे अधिक आवश्यक है? बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर,
या मैग्नीशियम क्या आएगा दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, अभी तक आंसर नहीं आया आपका, जल्दी से कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एमओ, कौन सा मॉलिब्डेनम, एमओ जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है। मैंने आपको बताया था एमओ के कार्य बताए थे मैंने आपको, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के शुष्क भार में मुख्य भाग किसका होता है, जो पौधों का शुष्क भार होता है उसमें मुख्य भाग किसका होता है दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 314 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, तीसरा ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो कौन सा ऑप्शन आएगा दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 314, पौधों के किस शुष्क भाग में भार में मुख्यतः किसका होता है, किसका होता है, तो दोस्तों मुख्यतः होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। किसका होता है कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर जाएगा फोर्थ, क्या जाएगा इसका राइट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 315 है दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों, नाइट्रोजनी स्थिरीकरण मैंने आपको बताया था, तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 315 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तांबा, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम, किसकी होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों किसकी, एमओ की, किसकी होती है मॉलिब्डेनम की होती है दोस्तों। क्या जाएगा इसका राइट आंसर फोर्थ, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, फोर्थ मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंप पादबों के स्टोमेटा सदैव खुले रहते हैं, दिन में खुले तथा रात में बंद रहते हैं, रात में खुले तथा दिन में बंद रहते हैं, या कभी नहीं खुलते, जल्दी से राइट आंसर कमेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 316 कैंप पौधों में क्या होता है स्टोमेटा, सदैव खुले रहते हैं, दिन में खुले रात में बंद रहते हैं, या रात में खुले दिन में बंद रहते हैं, या कभी नहीं खुले रहते, क्या आएगा इसका राइट आंसर, तो 316 का राइट आंसर होगा दोस्तों, जो कैंप पादप होते हैं उनमें स्टोमेटा रात में तो क्या बोले खुले होते हैं, लेकिन दिन में क्या हो जाते हैं बंद रहते हैं, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या थर्ड, क्या जाएगा इसका राइट आंसर थर्ड, रात में तो खुले होते हैं तथा दिन में क्या होते हैं बंद होते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 317 पौधे के स्टोमेटा रंध्र किससे खुलते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 317 पौधे के स्टोमेटा रंध्र, यानी जो स्टोमेटा यानी जिसे रंध्र कहते हैं वो किससे खुलते हैं, मैंने आपको बताया था रंध्र का खुलने और बंद होने का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों, पोटेशियम आयनों के अंतर प्रवाह से, या पोटेशियम आयनों के बहिर्वाद से, हाइड्रोजन आयनों के अंतर्वाह से, या कैल्शियम आयनों के अंतर्वाह से, किससे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 317 मैंने आपको बताया था रंध्र के खुलने और बंद होने का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या फर्स्ट, पोटेशियम आयनों के अंतर्वाह से होता है, यानी अंदर आने से होता है पोटेशियम आयनों के अंदर आने से होता है, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पोटेशियम आयनों के अंतर्वाह से होता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है क्वेश्चन है किस विधि से पादप आयन अवशोषित करते हैं,
किस विधि से पादप जो आयन को अवशोषित करते हैं, कौन सी विधि होती है, विसरण, डीपीटी प्रवणता द्वारा, या वाहक प्रोटीन द्वारा, या जल विभव द्वारा, किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्तों, किस विधि द्वारा पादप आयनों को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, किस विधि द्वारा करते हैं अवशोषित? तो पादप आयन अवशोषित करते हैं किस विधि द्वारा? वाहक प्रोटीन द्वारा करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा करते हैं? वाहक प्रोटीन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? वाहक प्रोटीन द्वारा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जलोद्भिद पादप जल लवणों में, जलोद्भिद पादप जल व लवणों का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 302, क्वेश्चन नंबर 302 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। जो जलोद्भिद पादप होते हैं वह जल व लवणों का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? जड़ तथा मूल रोम के द्वारा, मूल तथा पत्तियों द्वारा, मूल तथा तने द्वारा, या सामान्य अधिचरम द्वारा, किससे करते हैं? जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 302, जड़ तथा मूल रोम द्वारा, मूल तथा पत्तियों द्वारा, मूल तथा तने द्वारा, या सामान्य अधिचरम द्वारा, किसके द्वारा करते हैं? तो जलोद्भिद पादप होते हैं वो किसके द्वारा करते हैं दोस्तों? सामान्य अधिचरम द्वारा करते हैं। तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 303, क्वेश्चन नंबर 303 क्या कह रहा है कि सक्रिय, एक्टिव तथा निष्क्रिय पैसिव अवशोषण के शब्द किसने प्रतिपादित किए थे? तो सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण के जो शब्द दिए थे वो किसने दिए थे दोस्तों, वो पूछ रहा है। कैमन ने, डोक्यूट्रोटेच ने, या फ्रिस्टेल ने, या रेनर ने, किसने दिए थे? तो दोस्तों ये किसने दिया था? रेनर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कोशिका में सामान्यतः मुक्त आयन होता है, एक कोशिका में सामान्यतः मुक्त आयन क्या होता है दोस्तों? फास्फोरस, पोटेशियम, लोहा, बोरोन, कौन सा आएगा? राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। एक कोशिका में सामान्यतः मुक्त आयन कौन सा होता है? कौन सा होता है दोस्तों मुक्त आयन? पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइटोक्रोम पंप सिद्धांत किसने दिया था? साइटोक्रोम पंप सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जल्दी से, सॉक्स, लुंडगार्ड, बोस रेनर, या बिनेट क्लार्क, किसने दिया था दोस्तों साइटोक्रोम सिद्धांत? किसने दिया था साइटोक्रोम पंप सिद्धांत? तो इसने किसने दिया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जाएगा क्या? सेकंड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? सेकंड। साइटोक्रोम पंप सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? सेकंड। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 306, प्रोटीन लेस्पिन सिद्धांत किसने दिया था? प्रोटीन लेस्पिन सिद्धांत दोस्तों ये मैंने नहीं पढ़ाया आपको, ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया आपको, प्रोटीन लेस्पिन सिद्धांत मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों, किसने दिया था प्रोटीन लेस्पिन सिद्धांत? तो दोस्तों प्रोटीन जो लेस्पिन सिद्धांत होता है वो बिनेट व क्लार्क ने दिया था। किसने दिया था? बिनेट व क्लार्क ने दिया था। तो उसका राइट आंसर जाएगा क्या? फोर्थ। ठीक है दोस्तों, याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ उठा लिया। ये एम्स जो एम्स के एग्जाम होती है नर्सिंग की, उसमें पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन वैज्ञानिकों के नाम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरियर प्रोटीन सहायक होती है, कैरियर प्रोटीन किसमें सहायक होती है? आयनों के सक्रिय अवशोषण में, आयनों के निष्क्रिय अवशोषण में, जल अवशोषण में, या वाष्पन में? जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 307 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट की दीजिए सभी दोस्त, सभी स्टूडेंट जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट की दोस्तों। 307 का जो कैरियर प्रोटीन सहायक होती है किसमें? ये दोस्तों किसमें सहायक होती है? आयनों के सक्रिय अवशोषण में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लवणों का सक्रिय अवशोषण निर्भर है, लवणों का सक्रिय अवशोषण किस पर निर्भर है दोस्तों? जल के सक्रिय अवशोषण पर, वाष्पोत्सर्जन में, या फोटो रेस्पिरेशन पर, या डिपो रेस्पोलेशन पर? किस पर आएगा दोस्तों? तो 308 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 308,
उसका क्या आएगा राइट आंसर? फोर्थ। क्या जाएगा उसका राइट आंसर? फोर्थ, डिफोस्फोरिलेशन। डिफोस्फोरिलेशन में ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा राइट आंसर? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, जब क्लोरोफिल को जलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन नंबर 309 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो उसको जलाने पर प्राप्त होगा। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसको जलाने पर क्या प्राप्त होगा अपन को? मैग्नीशियम प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 309। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 283 है कि मॉलिब्डेनम की कमी से पादप में किस प्रकार का रोग प्रदर्शित होता है? मैंने आपको तत्व पढ़ाए थे दोस्तों, सारे तत्व पढ़ाए थे मैंने आपको। तो मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है वो बताना है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। फूल गोभी का विहिप टेल रोग हो जाता है, लघु प्रणी रोग होता है, अनाज में उधार रोग हो जाता है, या ब्राउन होट हार्ट रोग हो जाता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बताया था एक एक तत्व जिसकी कमी से रोग भी बताए थे आपको और उसके अवशोषण में बताया था। तो उसका राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 283, क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों फूल गोभी का विहिप टेल रोग हो जाता है। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर, कौन से तत्व जीवद्रवी तत्वों के रूप में शामिल किए जाते हैं? कौन से तत्व जीवद्रवी तत्व के रूप में शामिल किए जाते हैं? सी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। क्या आएगा राइट आंसर बताओ, जल्दी से राइट आंसर बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 284, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 284 का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या? फर्स्ट। क्या आएगा इसका राइट आंसर? फर्स्ट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर जो तत्व होता है वो जीव द्रव्य तत्व के रूप में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 285, कौन से तत्वों को महापोषण तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते दोस्तों? नहीं मानते, माइक्रो मैक्रोन्यूट्रिएंट दो गए, मैक्रो माइक्रो। ठीक है दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते वो बताना है। कौन से तत्व मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मानते वो बताना है। याद करो दोस्तों, मैंने आपको बताया था सूक्ष्म मात्रिक तत्व और बृहत मात्रिक तत्व, दो प्रकार के तत्व बताए थे मैंने दोस्तों। कौन कौन से? सूक्ष्म मात्रिक तत्व और बृहत मात्रिक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो मैक्रो यानी वृहत, ठीक है दोस्तों, वृहत मात्रिक तत्वों की श्रेणी में नहीं मानते वो बताना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा का नहीं आएगा? मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एमएन या फास्फोरस। क्या आएगा जल्दी से राइट आंसर कमेंट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 285, मैक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं मानते वो बताना है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों क्या? इसका राइट आंसर जाएगा क्या? थर्ड। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? थर्ड, एमएन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से तत्वों को लघु पोषक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता? किसको नहीं रखा जा सकता दोस्तों? माइक्रो न्यूट्रिएंट की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है दोस्तों, जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। यानी उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं मानेंगे तो अपन क्या मानेंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट मानेंगे। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आएगा? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, क्या आएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 286 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ। क्या जाएगा इसका राइट आंसर? फोर्थ, कैल्शियम। मैंने आपको दो प्रकार के तत्व पढ़ाए थे, याद रखना दोस्तों, दो प्रकार के तत्व पढ़ाए थे मैंने आपको, सूक्ष्म मात्रक यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट और एक बृहत मात्रक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है दोस्तों, तो वहीं से हैं दोनों क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा अमीनो अम्ल जिसके संगठन में सल्फर पाया जाता है? कौन सा अमीनो अम्ल है जिसके संगठन में सल्फर पाया जाता है? सिस्टीन,
सिस्टाइन, मिथियोनिन या उपरोक्त सभी। क्या आएगा जल्दी से राइट आंसर कमेंट की। दोस्तों सल्फर किसमें पाया जाता है, कौन सा अमीनो अम्ल है जिसमें सल्फर पाया जाता है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 287, क्वेश्चन नंबर 287 का जल्दी से राइट आंसर कमेंट की। दोस्तों सभी स्टूडेंट्स क्या आएगा, 287 का राइट आंसर आएगा दोस्तों सभी में पाया जाता है क्या सल्फर, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टाइन तीनों में पाया जाता है, राइट आंसर क्या जाएगा इसका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लेंसिंग एलिमेंट संतुलनकर्ता तत्वों के रूप में किन तत्वों को मान्यता प्रदान की जाती है जो विषाक्तता को दूर करते हैं। मैंने आपको बताया था दोस्तों विषाक्तता, मैंने बताया था आपको मिलरन टैक्सोसिटी पढ़ाई थी दोस्तों मैंने आपको, तो कौन सा आएगा इसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 288 का राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 288 अगर राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर फर्स्ट, कैल्शियम और पोटेशियम, क्या आएगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किन पोषक तत्वों के समूह को फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है, फ्रेमवर्क एलिमेंट के रूप में जाना जाता है, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर टू है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर थ्री है मैग्नीशियम, Fe और Zn। ऑप्शन नंबर फोर्थ है ZnMnCu। क्या आएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 289 का राइट आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट करो सभी आंसर, क्या आएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या सेकंड, क्या जाएगा इसका राइट आंसर सेकंड। ठीक है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कि फ्रेमवर्क एलिमेंट्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व गुणसूत्रों की संरचना के स्थायित्व के लिए अनिवार्य होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा तत्व गुणसूत्रों की संरचना के स्थायित्व के लिए अनिवार्य होता है, कौन सा तत्व गुणसूत्रों की संरचना के स्थायित्व के लिए अनिवार्य होता है दोस्तों, ZnCaMoFe, क्या आएगा जल्दी से राइट आंसर कमेंट दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एम्स वगैरह में जो एग्जाम होती है या आरवीएचएस में भी पूछ लेता है सीधा क्वेश्चन ये, तो उसका राइट आंसर कमेंट करो दोस्तों जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 290 दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या कैल्शियम, क्या आएगा इसका राइट आंसर कैल्शियम। कैल्शियम होता है वो क्या करता है गुणसूत्रों की संरचना किस स्थायित्व के लिए अनिवार्य होता है। ठीक है दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या आएगा कैल्शियम। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक शेयर किया करो क्योंकि ताकि जब भी अधिक से अधिक शेयर किया करो ताकि सभी के पास क्लास पहुंच सके और सभी को इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे अपन इन दोनों चैप्टरों के, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे अपन जो आरवीएचएस और एम्स नर्सिंग के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों तो अगर जो भी स्टूडेंट नया हो इस क्लास में तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि जब भी नर्सिंग और पैरामेडिकल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वहां पर एक टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम पर जुड़ जाए ताकि जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों धन्यवाद।